नमस्कार, आप देख रहे हैं टीटीएन न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। वन विकास निगम में अधिकारी भी नहीं सुनते किसी कर्मचारी की बात, सुना ही नहीं तो एक्शन भी नहीं लेते, अधिकारी लगे महिला अधीक्षक कृष्ण वर्मा ने लगा आरोप। वीडियो वायरल के अनुसार लटेरी से घनश्याम पंथी की रिपोर्ट, जहां महिलाएं अपना घर परिवार छोड़कर दूर दराज अपनी जान जोखिम में डालकर नौकरी कर रही हैं, वहां इंसानियत को शर्मसार करने और दिल दहला देने वाली ये खबर लटेरी और शमशाबाद से सामने आई है। लटेरी के वन विकास निगम की महिला अधिकारी कृष्णा वर्मा का एक वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया है। वीडियो में कुछ ग्रामीण महिला अधिकारी कृष्णा वर्मा को घेर कर खड़े हैं और वीडियो में कृष्णा वर्मा हाथ जोड़कर जाने की भीख मांग रहे हैं। हालांकि हम इस वीडियो की पुष्टि नहीं करते हैं। को पेगियाई में क्या घटना हुई आपके साथ? जी है कि मैं केंद्रीय रोपड़े अधिकारी पेगियाई हूँ। मेरा यानी मैं अपने कार्य क्षेत्र का निरीक्षण कर यानी उत्तर दक्षिण लटेरी का निरीक्षण करते हुए पेगियाई पहुंची, वहाँ कार्य का निरीक्षण कर रही थी तो देखा कि जो चौकीदार सुरक्षा श्रमिक थे तो उन्होंने क्या किया कि हमारे यानी इधर उधर अचानक दो लोडेड गाड़ी आ गई। 60-70 श्रमिक थे जिनको ना मैं पहचानती हूँ, नाम से ना चेहरे से ऐसे मैं नहीं जानती हूँ। उन्होंने हमारी गाड़ी के आगे गाड़ी रख दी और श्रमिक हमारे सुरक्षा श्रमिक पहलाद और शमशाबाद के सुरक्षा रन्नू जाट और मुकेश और भी जो यानी नीलेश वन रक्षक जया वन रक्षक इनके कहने पर उनने ताला लगा दिया और हमारे सामने गाड़ी रुक कर खड़े हो गए और हमें और हमारे जो स्टाफ हमारे साथ थे मालवीय जी अशोक कुशवाहा सबको गाड़ी में बैठा के बंधक बना लिया गया कि आप उतरेंगे नहीं। हम लोगों ने वरिष्ठ अधिकारियों से फोन पर संबंध बताया, उन्होंने कोई हम लोग को सुरक्षा बल मुहैया नहीं कराया। हम लोगों ने फिर 100 डायल को फोन किया और 100 डायल जैसे 1-1.5 घंटे में कुछ जितना समय लगता है तो उतने आई तो हमारे ना उन्होंने हमें यानी कहने का मतलब उतरने दिया और मारपीट करने लगे, कपड़े फाड़ने लगे, खींचने लगे। मैं पकड़ चुके थे, हम बचाओ बचाओ हाथ जोड़ के कि मुझे यहाँ से चले जाने दो तो और 100 डायल भी हमके भी बहुत समझाने पर नहीं जाने दिए। फिर जब जया और नीलेश आए उनके द्वारा जाति सूचक शब्द नाम से मुझे बुलाया गया और उंगली भी दिखाई गई जया यादव द्वारा और क्या कहते हैं और लेबर जो श्रमिक की समस्या जो बता रहे थे ना भुगतान की समय उनको कोई भुगतान से लेना नहीं देना था, उनकी मनसा सिर्फ हमें बंधक बना के डराना धमकाना था और हमारे साथ अभद्र व्यवहार करना था, इसके अलावा कुछ नहीं। और ना उन्होंने जया और नीलेश कहने पर शांत भी हो गए और हम लोग ने जाकर थाना शमशाबाद में तत्काल आवेदन दिया और इसके अलावा मुझे और क्या कार्रवाई हुई कोई जानकारी नहीं। वरिष्ठ को भी हम लोग ने सूचित कर दिया सभी जगह।